उज्जैन जिले की 3 जनपद पंचायतों में जनपद सदस्यों ने किया मतदान और अपने जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना। वहीं उज्जैन जनपद पंचायत में जमकर विवाद हुआ। उज्जैन जिले की 3 जनपद पंचायत में जनपद सदस्यों ने मतदान किया और अपने जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुना और परिणाम की घोषणा हुई। वहीं उज्जैन जनपद पंचायत में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। कांग्रेस के पक्ष में 12 जनपद सदस्य ने मतदान किया और बीजेपी के पक्ष में 9 जनपद सदस्य ने मतदान किया और कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष की घोषणा हुई और घोषणा होते ही विवाद जमकर हुआ। जनपद कार्यालय की कुर्सियां टेबल तोड़ दी। पुलिस फोर्स और पुलिस विभाग के अधिकारी पहुंचे और स्थिति को संभाला और फिर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव धरने पर बैठ गए। चला गया था, ऊपर गया, वहाँ से नीचे आया, टॉयलेट करने के लिए आया था। इनने मुझे फिर वापस ऊपर 1 बजे नीचे आया। इनने 9 घंटे के लिए मुझे ऊपर नहीं जाने दिया कांग्रेस के लोगों ने, और मुझे वोट नहीं डालने दिया। लोकतंत्र की इन्हें हत्या करी है। मेरा खुद का वोट था वार्ड नंबर 14 से संजय दरिया। करीब कितने कितने मतदाता थे आप लोग, करीब कितने लोग जो वोट नहीं डाल पाए? हमारे कम से कम पूरे लोग कम से कम 13 लोग वोट नहीं डाले। उज्जैन से वीरेन शर्मा की रिपोर्ट।